प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आज के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो में आप देखेंगे दो पाकिस्तानी जिनको भारत में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। एक तरफ आप देखेंगे पत्रकार आरजू कासमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और मजेदार वीडियो लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं हम पड़ोसी मुल्क को पीछे छोड़ जाएंगे, वो हर चीज में तो भारत को ले आते हैं। नहीं, हर चीज के अंदर तो उनके बड़े भाई ने कहा था चांद पे हमने जाना था, हमारा प्लान इन्होंने प्लान चोरी कर लिया। उनके कहने से क्या फर्क, कहने से तो कुछ नहीं, कहने को तो यहाँ सर कई एंकर जो के हुकूमत के लिए काम करते हैं या उनकी वाहवा करते हैं, उनका ये भी कहना है कि ये G7 वालों ने बुलाया क्यों नहीं पाकिस्तान को, सबसे इम्पोर्टेंट तो हम थे। बिल्कुल जाना चाहिए और जेबें कटानी थी भाई G7 में सदर, उनके लोगों की पलटी स्पेंड की। आप क्या, आप लेके क्या जाते वहां पे, आप किस मुंह से जाना था आपने वहां पे G7 में? मेरा ये क्वेश्चन है भाई, आप किस ब्लॉक से आपका आप चाइना नाराज हो जाता फिर क्या करते? आपके जो वहां से किकबैक्स आने, आपके कमीशनें आनी है, वो क्या करता फिर अगर आप चले गए? क्योंकि चाइना भी तो G7 में नहीं है, रशिया भी नहीं है उसमें। अमेरिका वाले समझते हैं कि आपको आपको केलों की छिलके दे देनी है तो आप वैसे साथ हैं, तो आपको G7 में बुलाने की क्या जरूरत, क्यों बुलाएंगे भाई? वो G7 वालों का दिमाग खराब है आपको बुलाने वहां, वहां पर तो लोग जाते हैं, वो तो एक बड़ा क्लब है, कुछ देंगे लेंगे, कुछ इस तरह की चीजें होंगी वो, जिनकी अकेडमीज है। आपके पास किस में जाना था, साइकिल में जाना था बैठ के आपने? आपके पास जहाजों के पास पेट्रोल तो है नहीं आपके, लंदन और टोरंटो के तो प्रोजेक्ट आपके फंसे पड़े। लेकिन आरजू आपने खैर कहाँ जाना है, मुझे कल किसी ने पूछा, उसने कहा जरा ये बताएं पाकिस्तान किस ब्लॉक में है, मैं कहा पाकिस्तान डॉलर ब्लॉक में, जहां से डॉलर मिलते हैं हम उस ब्लॉक में। आजकल आप अमेरिका के साथ, IMF आपके साथ आजकल क्यों है, कभी सोचा कभी आपके 23 करोड़ लोगों ने? सिर्फ इस वजह से कि भारत के साथ उनके रिलेशनशिप थोड़े ऊपर नीचे है, इस वजह से IMF आपको डॉलर दे रहा है कि हो सकता है हमें एयरबेस इस्तेमाल करनी पड़े, हो सकता है अफगानिस्तान की वजह से हमें दोबारा एयरबेस चाहिए, हो सकता है ताइवान की वजह से हमें जरूरत पड़ जाए, तो इसलिए वो आपको ना जिंदा। भारत को भी तो तंग करते हैं हम, भारत को भी तो हम परेशान करते हैं अमेरिका के कहने से, चाइना के कहने से। IMF वाले आपको ना जिंदा रखना चाहते हैं ना मारना चाहते हैं। आपके जो ब्रिटिश एजेंट हैं इनको वो इतने पैसे दे देते हैं कि इनके बच्चे लंदन और टोरंटो में आवारा फिरते रहे, बस इतने पैसे आपको दे देते हैं। कर्जों की किस्तें तो आरजू आप जैसे पाकिस्तानी सिटीजन जिनके गुर्दों के ऊपर निशानियां हैं लगा दी निशानियां, और एम्प्लॉयज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं 25%। नहीं वो तो खैर नहीं, आरजू इस बजट के अंदर एक जो तूफान आएगा महंगाई का आप उसका अंदाजा नहीं लगा पा रही हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि सारा का सारा बोझ डाला है इन्होंने तनख्वाह वाले तबके पे, और वो क्या करेंगे, जाहिर है वो भूख से तो नहीं मरेंगे, उन्होंने बच्चे पालने हैं अपने, क्या करेंगे, रिश्वत के रेट बढ़ाएंगे, रिश्वत के रेट बढ़ेंगे तो जो बाहर के लोग हैं रिश्वत देंगे कहां से ला कर देंगे, सोसाइटी के अंदर अनरेस्ट होगा, डाके मारेंगे ना, अभी भी हो रहा है, हो रहा है, बड़ा खुल के हो रहा सारा। तो उसमें आरजू दर हकीकत जब सोसाइटी में तनख्वाह कोई भी ज्यादती किसी से की जाए एक तबके से, और दूसरा इस वक्त अगर देखा जाए तो आपके माफियाज हैं, आपका हर इंस्टीट्यूट जुडिशरी आप एक माफिया बन चुकी है, दूसरे माफियाज हैं आपके सारे, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं झगड़ते हैं। मेरा क्वेश्चन होगा अगर आप PIA को मैनेज नहीं कर पा रहे, रेलवे को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो पाकिस्तान को किस तरह मैनेज करेंगे? आपके साथ वो कहते हैं दिस इज लार्जर देन योर पे ग्रेड, दिस इज आप 1947 से टू मेंटेन अ कंट्री इज अबव योर पे ग्रेड, आपको आपके अंदर ना कौमियत है ना फेथ है, तो फिर ये इस कंट्री इस तरह तो नहीं चलते ना, इस तरह तो पकौड़े की दुकान नहीं चलती, इस तरह तो कोने में पान का खोखा नहीं चलता जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमने कंट्री चलाना है। रंग रंग की बोलियां बोल रहे हैं, जो गवर्नमेंट आती है 6-6, 7-7 पार्टियां मिलकर आती है, फिर 8-8 पार्टियां लूटती हैं, सियासतदान अलग लूट रहे हैं, जुडिशरी अलग लूट रही है, दूसरे कुछ लूट रहे हैं, कुछ स्वाय डाकों चोरी की, और बता दें मुझे कुछ हो रहा है। मैं अक्सर लोग कहते हैं जी फलां डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी है जी, और यार जुडिशरी देख लो अपनी, तुम असेंबलियां देख लो, रेलवे देख लो, PIA देख लो, एजुकेशन सिस्टम देख लो, या तो मुझे कन्विंस करो ना, नहीं जी तुम बहुत गलत बोलते हो, ये फलां देखो डिपार्टमेंट कितना अच्छा है, तो बताए ना डिपार्टमेंट, कहें जी हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, बताए ना
कन्विंस करें ना मुझे, मेरे साथ डिबेट करें कि नहीं यार तुम बहुत गलत बातें करते हो यार, तुम पाकिस्तान के खिलाफ हो। अक्सर यही मुझे लौंडे लबाड़े कहते हैं कि पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हो, भारत के गीत गाते हो। मैं गीत नहीं गाता, तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारे जैसे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, चांद पे पहुंच गए। लफ्ज बार बार आता है, कहता शर्म हमको मगर नहीं आती। तो फिर मैं इसका, मैं तो कोशिश तो यही करता हूँ कि शायद आपको शर्म आ जाए, लेकिन देखे कहीं से शर्म मिलती हो तो 10 किलो खरीद लो लेना यार अच्छे रेट। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन यहाँ पे तो कुछ सही करने को तैयार ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आपने भारत का नाम लिया, तो देखें आते के साथ ही उनकी गवर्नमेंट को बुला लिया गया G7 में। अभी तो वो पीस समिट जो चल रही थी उसके लिए भी कहा है, लेकिन उधर शायद मोदी जी नहीं जा रहे। नहीं गए नहीं है उन्होंने, बल्कि मिले थे वहां प्रेसिडेंट यूलेस्की को, वो भी तो पाकिस्तानी है ना। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है आपको शायद नहीं पता, वो पाकिस्तानी है, वो इंतहा के करप्ट लोग हैं। वो जो पैसा जा रहा है सारे का सारा दुबई जा रहा है। मैं तो हफ्ता 10 दिन पहले देख कर आया हूँ ना, इस वक्त 70% दुबई इज ओन्ड बाय यूक्रेनियन एंड रशियन। नई गवर्नमेंट आई है, आपको लगता है भारत के पास लीडर हैं, या मोदी जी को आप समझते हैं कि वो इतने स्ट्रॉन्ग लीडर हैं कि सब उनकी तरफ देखें? आरजू भारत के अंदर कोई एक लीडर नहीं है, भारत तो भरा पड़ा लीडरों के साथ। गांधी जैसा लीडर कोई है मेरे ख्याल में, एक भी नहीं है। उसको नेहरू देखें, बहुत बड़े लीडर थे। उसके बाद लाइन लगी पड़ी है उनके पास लीडरों की, वाजपेयी है उनके पास, देसाई है उनके पास, मोदी है, क्या नहीं देखें ना, सारे के सारे भारत के अंदर मरे हैं। अब आपका रिवाज है वो रहता है पाकिस्तान में, सारे तो लंदन वासी हैं भाई। आपका जो जर्नल है, जो जज है, जो जर्नलिस्ट है, सारे रिटायर होकर लंदन बैठे हैं, टोरंटो बैठे हैं, दुबई बैठे हैं। बताए ना देसाई, मरारजी देसाई किधर फौत हुआ, किधर आप बताए ना, दूसरा वाजपेयी किधर रहा है बताए ना। आज आज मुझे आप छोड़े उस बात को जी, हमारे वो जो कांग्रेसी लीडर है क्या नाम है उनका, जो जिन्होंने अभी भारत जोड़ो यात्रा की है, राहुल गांधी। राहुल गांधी आपका कोई लीडर है अभी तक जो 3000 किलोमीटर पैदल चले सिर्फ कौम को देखने के लिए कि आओ पाकिस्तान जोड़ो? आपके तो एयर कंडीशन ब्रिटिश लोग हैं आपके भाई, आप तो बहुत लकी लोग हो। ब्रिटिश एजेंट, ब्रिटिशों ने आपको आजादी नहीं किया अभी तक। आज तो एक वीडियो टीवी वाले दिखा रहे थे, बल्कि वो मुझे कहीं मिली, मैं आपको भेजूंगी भी, कि वो गाय बैल जो उन्होंने रखे हैं कुर्बानी के, उसके लिए ऐसी लगा दिए, एक नहीं तीन तीन चार चार ऐसी लगाए हुए 2 दिन के लिए। करप्शन के पैसे हो तो क्या फर्क पड़ता है, हराम के पैसे से ऐसे ललित वही तो, वरना यही पैसा जैसे आप कह रहे हैं किसी की मेडिकल में काम आ सकता था, एजुकेशन में काम आ सकता था, लेकिन यहाँ पे वो दिखावा कि बस जी कई करोड़ कई लाख जानवर एक साथ काट के रख देंगे, मगर वो पैसा सही जगह नहीं लगाएंगे। इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन फॉर पाकिस्तान, आप इसको समझ ही नहीं पाए, आप इसको समझ ही नहीं पाए बिल्कुल। आपको बल्कि आप इस वक्त अगर देखा जाए, एक तो इनको हम देखे, मैं हमेशा ये कहता हूँ, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ इंडस वैली, इंडस रिवर, वहां से इंडिया निकला, पाकिस्तान तो अभी कल बन। यहाँ पे जो मजाहिब थे हमने किसी को पूरे तरीके से नहीं समझा, किसी को समझ, अफसोस वाली। लेकिन ये कि आरजू दुआएं खैर ही हो सकती है, काश कि हम चले मजहब नहीं तो अपनी लैंड के साथ ही वफा कर लेते, अपने कंट्री के साथ ही वफा कर लेते। लेकिन देखिए आने वाले दिन बहुत खतरनाक है। जो मैं आखिर में बात ये करना चाहूंगा, हामिद मीर साहब ने अगले दिन अपने इंटरव्यू में कहा है कि दो बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, किसी ने दो थिंक टैंक हैं, एक तो भारतीय है, उसने कहा है कि 2030 तक पाकिस्तान खत्म हो जाएगा पीसीज में। एक अमेरिकन थिंक टैंक है जिसने कहा है कि 2033 तक पाकिस्तान डिवाइड। बहुत बड़ा माफिक, क्या पाकिस्तानी इसको सेव करने के लिए कुछ कर रहे हैं? ना, जीरो। यही मेरा आलमिया है, यही मेरा। बिल्कुल ऐसे ही सर, ये तो कितने दिन पहले आदर्शिर कावस जी जो बहुत जबरदस्त जर्नलिस्ट हुआ करते थे कराची, उन्होंने भी कहा था कि फेल्ड स्टेट है। मैं मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन जब अमीर गंडापुर की मैं बढ़ के सुनता हूँ, कहता है मैं इस्लामाबाद घुस के मुर्शिद को ले जाऊंगा, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तो फिर मैं हामिद मीर की बात सुननी पड़ी। कई दफा बगावत का ऐलान किया उसने, कई दफा। जब मुर्शिद अंदर जेल से कहता है अगर मुझे ना छोड़ा गया तो मैं मुजीबुर रहमान बन जाऊं, मुजीबुर रहमान ने क्या किया? पाकिस्तान तोड़ा तो नहीं, खैर मैं कहूंगा 76 साल के बाद भी आज आप कंफ्यूज हैं कि वो गद्दार था या नहीं। मेरे ख्याल में वो गद्दार नहीं था, आपने उसको मैंडेट उसका नहीं दिया था, मैं तो एग्री करता हूँ इस बात। हमेशा ये कहता हूँ बंगाली बहुत बड़ी वेरी सोफिस्टिकेटेड एजुकेटेड नेशन है, आपने उनके साथ धोखा किया। वो धोखा इसलिए किया के सब कॉन्टिनेंट की दो बड़ी पार्टियां मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों बंगाली में।
पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट शुरू बंगाल से हुई। पॉपुलेशन में ईस्ट बंगाली हमसे ज्यादा थे। आप 1960 से ही उनको उनसे जान छुड़ाना चाहते थे। अयूब खान उनके खिलाफ थे। अयूब खान ने कई लोगों को यह टास्क दिया था ये बंगालियों से जान छुड़ा। लेकिन आपने ज्यादती की। आपने मैं ये आपको माफी मांगनी चाहिए बांग्लादेश से जो आपने उनके साथ किया। लेकिन ये जिस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जिस तरह के लोग अभी अमीन अली अमीन गंडा साहब कर रहे हैं और जो मुर्शिद कर रहे हैं। इस तरह की बात करना भी ज्यादती है कि हम अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान टूट जाए। हाँ बिल्कुल ऐसा भी नहीं होना चाहिए। खैर उन्होंने तो ये भी कहा था एटम बम मार दें पाकिस्तान पे अगर मैं नहीं हूँ तो। वो तो उस लेवल तक भी चले गए थे। बहुत शुक्रिया सर आज आपने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू कासमी जी और साजिद ताड़स आपका ये पूरा एनालिसिस और इनके पॉजिटिव व्यूज आपको काफी पसंद आए होंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जहाँ पे इन दोनों ने भारत की खूब तारीफ की और दूसरी ओर ये भी माना कि ये खुद भारत से बिलोंग करते हैं। यानी हर पाकिस्तानी के जो रूट्स हैं वो भारत से जाके जुड़ते हैं। और आपने देखा इन दोनों ने बात की भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो G7 का दौरा था जिसकी चर्चा आज पूरे विश्व भर में हो रही है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत।